मैं टीडीडी कमेटी तरफा एक गल उन्हें चोरी मैसेज देना चाहना, यह याद रखन कि पुत्र नहीं है बाकी एरिए स्कूटर चोरी करने की कोई गल नहीं है, या मोटरसाइकिल चोरी करने की कोई गल नहीं है, पीरें जगह पर चोरी हुई है। और अगर इंटर चाहे कोई भी साढ़े कसे चढ़ी आ जो पता लगी है इंटर चाहे ये चोर है तो वो ये गल सोची लैन कि पुत्र तुम्हें पुलिस जाके नहीं देना, थाने थूने नहीं देना, पहले तो उन्हें लत्त होंगे तो दूई बार पिंडा भी फारक करा के जो निकलिया पिंड का या बाहर का है छोड़ना नहीं बनता है, ये उसी चंगी तरह न्यूज़ भी इतने मैसेज साढ़ा पुजी है उसी कि छोड़ना नहीं सवारी, ठीक है अस स्पेयर नहीं कर सकते क्योंकि पीरें दरगाह है इतने अस ये चीज़ नहीं स्पेयर कर सकते, साड़ी बाइक च कोई है स्पेयर कर सकते हैं बट पीरें दरगाह तो चोरी है ये बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। इस दर उपर जेड़ा बंदा साढ़े ग्रां का सेवा करता है दिल अपने सेवा करता तो मतलब वो हर बंदा दिलों ये गल कहना चाहता कि जे सानू चोर खड़ोई आ तो फिर चोर अपना सोलना है उधार क्यों ना थाने अहें बाद च देना पहला अहें अपनी कार्रवाई कर लेनी है सारी प्रशासन जिन्ना भी है खाली दिलासा दिंदा कि होई जा होई जा, अज तक कोई दसो केड़ा फड़िया ने आले दुआले बिछनाड़े लाके किन्नी चोरी हुई है सानू भी दस्सिया जाए ना कि फिर अहें कमेटी दे मिंबर इहे फैसला सारे सुना रहे अगर साढ़े कसे कोई चढ़िया अहें पुलिस च देगे नहीं पर नहीं देना लेकिन पहले अपनी कार्रवाई करिए उहदे कन्ने जो भी वारदात होग उहदी जिम्मेवारी प्रशासन होग अहें कोई जिम्मेवारी नहीं सीधी लैंदे बिल्कुल क्योंकि वारदात हो रही है अहें गए आ एप्लीकेशन दित्ती है। मेरा नाम रवि कुमार है सर, क्या गल हुई इधर कल की रात की चोरी हो गई है तो रात को मुझे किसी बंदे ने मैसेज किया था, रात को कोई 3:30 बजे के करीब एक बंदा गाड़ी लेके आया था, वो भी सेवादारी बंदा है, वो कहीं गया था फंक्शन में कहीं, तो उन्होंने क्या किया कि अगर आए जब संतरा करने के लिए देखा तो उन्होंने देखा कि गेट खुला है, जब उन्होंने गेट को बंद करने की कोशिश की जब अंदर की तरफ जब देखा तो अलमीरा वगैरह खो गई, 3:30 बजे का जी वारदात उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि 3:30 बजे का जी करीब हुआ। कितने पैसे रखे थे लोगों इधर? कोई 4,800 जो मैंने कैश रखी थी, उसके बाद चिल्डर वगैरह तो वो तो मैंने गिनती की नहीं। तो कल शाम को 8-9 बजे के करीब हम बैठे थे कमेटी वाले सारे बंदे बैठे थे, तो कल हमारे सिंह है उसके पहले भंडारा था, सिंह के लिए हमने जो पैसे इकट्ठे किए थे उसी का हम टोटल हिसाब करें कि हमारे पास कितनी कैश है क्या है क्या नहीं, तो वो सिंह के लिए जो था वो हमने अलग कर दिए, वो हमने कमेटी वालों को दे दिए, कुछ जो कैश थी वो मैंने रख लिया अपनी 4,000 कुछ पैसे थे वो मैंने रख लिया, चलो उनसे कोई एमरजेंसी जरूरत पड़ जाएगी बाबा की चार्जर वगैरह के लिए तो वो मैंने अंदर रखा लिया। उसके बाद एक सीलिंग फैन था वो सिंध के लिए किसी ने चढ़ाया था अंदर, वो भी मैंने अलमीरा में ही रखा था,
तो उसके बाद ये लड़के को 9:30 के करीब मेरे से इधर से चले गए, मैं बैठा था पर्दा वगैरह किया, तो उसके बाद ढोल वाला आया था, वो ढोल बजा रहा था, 11 बजे के करीब ढोल वाला भी चला गया और मैं भी इधर से 11 बजे के करीब चला गया। सुबह जब हम हमारे घर आए थे, सुबह जब देखा तो जे वारदात हो गई। तो मैं किसी के ऊपर आपको सर शक है? शक तो मुझे मतलब जो नशे पत्रे वाले बंदे हैं, कल भी जब हम बैठे थे उसके बाद जो लड़के थे वो जब कमेटी वाले चले गए, कुछ लड़के थे जो नशे पत्रों वाले वो इधर ही बैठे थे, इनको मैंने काफ़ी टाइम पहले भी मना किया है कि यार ये चीज़ गलत है, इधर नहीं करनी है, ताश वगैरह जुआ वगैरह इधर काफ़ी बार खेलते हैं। तो एक दो बार पहले भी मेरी दरबार में इधर बारगात हुई है, तब कुछ ये गला उठा के ले जाते हैं। अलमीरा में ये फर्स्ट टाइम है जो अलमीरा में तोड़ कर इन्होंने जो सामान, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मेरी प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो नशे वाले बंदे हैं उनको थोड़ी देख रेख की जाए, और पुलिस वालों को कम से कम एक दो बार चक्कर वो गांव के अंदर है, खासकर हमारे गांव के अंदर जो मुझे देखा जाया है कि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जो भंग वगैरह के चक्कर में पड़ गए हैं। तो मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दो बार उनको बीच में चक्कर लगाया जाए ताकि इनको थोड़ी सी डर और कोई सी चीज का वो। मेरा नाम राजकुमार, ये काफ़ी बार मतलब दिखने लगे हैं कि काफ़ी बार पहले भी चोरी होंगी नहीं छोटी मोटियाँ, अस काफ़ी मतलब लोगों समझाते रहे हैं बच्चे जो नशे बारे नहीं नशा वगैरह छो, और अस हूँ एक बड़ा बड़ी वारदात हुई है जिन्हें कि परसों कल सिंझा सिंझे तक इन्हें काफ़ी ग्राई शराई की गई, काफ़ी लोगों को कैश भी आया, कुछ कैश रखी हुई साइड पर, लेकिन कुछ कैश जी वो इन्हें कले च पाई रही, लंबारी च पाई रही, और लंबारी तोड़िए मतलब इसी लेई है कभी कोई बंदे जोड़े भी हो नशा करते हे बंदे, तो अस प्रशासन अगर मांग करने हैं कि इन्हें नशे वाले बंदे की सब तो पहले तो नहीं फड़ना चाहिए, क्योंकि इंदे बगैर तो और कोई नहीं लगता, तो ये दरखास्त है। मुझे जैसे ही पता चला कि हमारा जो गांव है टेढ़ा यहाँ पे चोरी हुई है, मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप देखिए मिशनाह में और आसपास गांव में काफ़ी ज़्यादा चोरी हो रही है, चोरियों का कारण है नशा, और मैं ये कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी ये काम किया है मैं उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ तहसीलदार साहब, SDM साहब, SHO साहब इस बात पे संज्ञान लें और गांव-गांव जाकर मीटिंग करें, उन लोगों को ट्रेस करें जो नशे में फंसे हैं, और जो लोग चोरी में इन्वॉल्वमेंट पुराने भी लोग हैं तो उनको बुलाया जाए और पूछताछ की जाए, क्योंकि जब तक पुलिस सख्ती से अपना काम नहीं करेगी तब तक ये मसले हल होने वाले नहीं हैं। आज यहाँ पे चोरी हुई है, पहले भी कई चोरी हुई हैं, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर सख्ती ना हुई तो इस तरह चोरियाँ बढ़ सकती हैं। तो मेरा यही अनुरोध है SHO बिश्नाह पवन जी से, पवन जी आप थोड़ी ये इन लोगों पे स्टिकनेस करिए और जो लोग हैं उनको ट्रेस करके थाने में बुलाइए, चोर अपने आप खुद ब खुद पकड़े जाएंगे, क्योंकि जब तक ये चोर पकड़े नहीं जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या चोरी हो रहा है और कहाँ कौन से लोग हैं जिनका ये ग्रुप गैंग बना हुआ है, और ये गैंग तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा यही अनुरोध है कि इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए।